ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग इस मुद्दे को अननेसेसरीली इसलिए तूल दे रहे हैं क्योंकि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार को घेरने का। आप हंस रहे हैं दीपक भाई। अब उनके इस आरोप पर मैं क्या कहूं, क्योंकि ये तो मुद्दा उन्हीं लोगों ने पैदा किया है। आपने मेरे को तो इस समय आपने जब बात की तो मुझे तो शोले फिल्म का डायलॉग याद आ गया जिसमें वो कहता है कि सरदार मैंने तेरा नमक खाया है, तो वो कहता है तो गोली भी खा। तो यही हाल इस समय ये खोखर सरकार के साथ है। जब ये इनको सारे लोगों को लेकर वहां पहुंचे असम में, तो वहां जो पैसा खर्च हुआ, जो पूरी व्यवस्था हुई, अब उसका वो हिसाब मांग रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसमें तो हम क्या बोल रहे हैं। हमारा तो कहना बहुत स्पष्ट है कि जो एक पुरातत्व का जो एक बयान उनके खुद के डायरेक्टर का, उनकी डायरेक्टर है श्रीमती डीपी रेखा, उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा शिलालेख नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वो ज्योतिर्लिंग है। यह बात सच है कि वहां पर प्राचीन मंदिर है। अब जब वो अपने पुरातत्व विभाग की बात मानने को तैयार नहीं है, यहां की सरकार चुप होकर बैठी हुई है, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब की तो आवाज ही नहीं निकल रही, तो इससे हमको लगता है कि ये धार्मिक जो मुद्दा है वो शायद नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक मुद्दा है। और राजनीतिक मुद्दा इस बात का है कि जब हमने आपको आसाम में रखा, आसाम में आपके साथ हमने ये सब अरेंजमेंट किया, तो अब इसके एवज में आपको हमें ये देना पड़ेगा। इसकी ये मेरे को तो जो लगता है वो कुल मिला के ये लगता है। दूसरा आप देखिए, मतलब आप कह रहे हैं गिव एंड टेक है, पॉलिटिकल गिव एंड टेक है। आप कल्चरली जो है महाराष्ट्र की रिच हेरिटेज को असम में ट्रांसफर करना चाहते हैं, यही गिव एंड टेक है ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से, लेकिन ये कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि महाराष्ट्र का जो हेरिटेज है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो इस चीज को कभी भी सफल नहीं होने देंगे क्योंकि ये लगातार चल रहा है। आप देखिए, इसके पहले उन्होंने हमारे आस्था के जो केंद्र थे, छत्रपति शिवाजी, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, इनके ऊपर उन्होंने उंगलियां उठाई। इसके साथ ही साथ इसके पहले भी कर्नाटक से ही आवाज उठी थी हनुमान मंदिर को लेकर। उनका कहना था कि हनुमान की जन्मस्थली कर्नाटक में है जबकि हकीकत यह कि वो महाराष्ट्र में। तो मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिन पर कि वो सचमुच ही बता सके कि उनकी सरकार कर्मठता के साथ काम कर रही है। उनकी पूरी कोशिश ये कि कैसे भी करके हम इन मुद्दों को हटाएं। ठीक है, रत्ना सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, असम से हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। रत्ना जी, मेरा सीधा सवाल, ये पॉलिटिकल गिव एंड टेक है इसलिए आप मुख्यमंत्री जी ने विज्ञापन दे दिया क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ही एकनाथ शिंदे, उनके विधायकों को और देवेंद्र फडणवीस सबको होस्ट किया था, सबकी मेजबानी की थी। तो अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई भीमा शंकर तो महाराष्ट्र से लेके असम आप क्लेम करने लग गया है। नमस्कार, मैं ये कहना चाहूंगी कि लेन देन का बात तो ये एनसीपी वगैरह ही कर सकते हैं, अपोजिशन की ये सब भाषा हो सकती है। लेन देन हम भगवान पे, आप लोग लेन देन तो आप ही कर सकते हैं, ये आपकी की पूरी तरह से विरासत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्योतिर्लिंग शिव पुराण और कोटि संहिता हिमंत बिश्व शर्मा ने नहीं बनाया। आज शिव पुराण में कामरूप का वर्णन है, कामरूपेश्वर का वर्णन है, दाकिनी पहाड़ का वर्णन है, भीमा शंकर का वर्णन है और सदियों से यहाँ पे लोग इन्होंने पूजा कर रखा है। आज भीमा शंकर के नाम से उड़ीसा में भी है, कहीं नैनीताल में भी मिलते हैं, तो हमारे भारत में तो कण कण में शंकर है। और आज 10 दिन के लिए हम कोई पत्थर की पूजा करते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं। भगवान के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कोई मंदिर लेने जा रहा है। तो आज सदियों से मैं कहूंगी कि श्रीमंत शंकर देव जो हमारे गुरु हैं, हमारे पूज्य हैं असम के, उनके माँ पिताजी लोगों ने भी वहां से उनका सम्मान करके उनकी उपासना करने के बाद श्रीमंत शंकर देव का जन्म हुआ और उसके उनका नाम शंकर रखा गया। तो ज्योतिर्लिंग जो आज भीमा शंकर है सभी लोग पूजा करते आ रहे। आज पहले से हिमंत बिश्व शर्मा की इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवान पर राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहे कोई भी हो, भगवान के नाम पे हम राजनीति नहीं करते हैं। और असम के लोग, अरे महाराष्ट्र तो हमारे दिल में बसता है, मराठा तो हमारे दिल में बसते हैं, शिवाजी तो हम सर पे लेते हैं। जैसे लाचित बरफुकन हमारे हीरो है, हमारे हमारे लिए योद्धा है, वैसे शिवाजी हमारे लिए है। महाराष्ट्र हमारे दिल में है, मराठा हमारे दिल में है, मराठी हमारे दिल में है, पूरी भारत माता हमारे दिल में है। असमिया पूजा कर रहे हैं, बहुत सालों से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। ये दाकिनी पहाड़ पे आज पूजा नहीं हुआ है, सदियों से पूजा हो रहा है और क्लेम हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ब्रजमोहन जी से पूछ लेते हैं। ब्रजमोहन जी,
सबसे पहली बात, बीजेपी कह रही हो भगवान पे तो राजनीति कर नहीं सकती, और हेमंत विश्व शर्मा में इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवान भोले शंकर पर वो राजनीति कर रहे। उनका कहना है, रुद्र संहिता में लिखा हुआ है, शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है, और उनका ये भी कहना है कि भाई लेने देने की बात तो आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप, आपका अनुभव है इसमें। देखिए, मैंने रत्ना बहन को सुना बहुत ध्यान से। हमारे देश में भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा है जो ये तय करती है कि कौन किस स्थल को हम तीर्थ धार्मिक तीर्थ के लिए घोषणा करें, ये उनको तय करने दें। जब हमारे पास एक पूरी तौर से जिम्मेदार एक संस्था है महासभा के रूप में, तो उसको हम ये मौका दें। अब रत्ना बहन का है आदरणीय, तो फिर आपने राजनीतिक सवाल क्यों उठाया, उनको करने देते ना ब्रह्मोहन जी, उनको करने देते ना, फिर राजनीतिक सवाल क्यों इस पर। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि हम धर्म के मामले। अच्छा रत्ना जी रुक जाइए प्लीज, रत्ना जी मैं आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त ब्रजमोहन जी भी दे रहे हैं, आपको भी मिल रहा है, और ब्रजमोहन जी ने आपको बिल्कुल बोलने दिया। दीपक जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये मुद्दा धर्म धार्मिक नहीं है, ये मुद्दा राजनीति है, और इस राजनीतिक मुद्दे में लेन देन हो रहा है, ये मैंने आरोप लगाया है, और इस आरोप को लगाने के लिए मेरे पास पूरी तौर से जानकारी है। आप देखिए कि अचानक आज असम से ये आवाज उठती है कि छठ पे ज्योतिर्लिंग वहां पर है। अगर ऐसी बात थी तो ये इसके पहले भी कभी आवाज उठ सकती थी, आज ही क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो पूरी तौर से सरकार चलाने में विफल हो गई है। अब आज कर्नाटक में भी यही मुद्दा आ रहा है, कर्नाटक से आवाज क्यों उठी कि हनुमान जी का जन्म स्थल महाराष्ट्र में नहीं है, नासिक में नहीं है। तो ये सारी बातें एक राजनीतिक परिदृश्य में हो रही है, तो इसका जवाब भी राजनीति के रूप से दिया जाएगा। फिर जब हमारे पास एक संस्था है जो ये तय करती है कि हम किस स्थल को तीर्थ स्थल घोषित करें, उसमें हमारे देश के विद्वान पंडित हैं, उसमें जानकार लोग हैं, तो उनकी उनसे हम बात करें, उनको उनको कहने दें। इस मामले में आदरणीय शर्मा जी को कहने की क्या जरूरत थी, जो इसके पहले पता नहीं जिनपे कितने आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ही लगाए थे, आज उनको वो मुख्यमंत्री बना के बैठे हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस बात की कोई जरूरत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के तो ऐसा है ना कि ये मूर्तियों को दूध ये पिला दें, कोई सी भी जगह पर धर्म स्थल पैदा कर दें। ये कलयुग की पार्टी है पूरी तौर से, और ये कलयुग के अंतर्गत ही सारा काम कर रहा है। ठीक है, कलयुग की पार्टी। अच्छा, एक शब्द आपने नया शब्द गढ़ लिया है भारतीय जनता पार्टी को, मतलब उस पर राजनीतिक आरोप लगाने के लिए कलयुगी पार्टी है। तो रत्ना जी आप कलयुगी पार्टी की नेता है, और क्या जरूरत थी, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या जरूरत थी जब 12 ज्योतिर्लिंगों में भीरवा शंकर पुणे का नाम आता है, आपकी मान्यता आप रहने देती, उसको ज्योतिर्लिंग के तौर पर फ्रंट पेज विज्ञापन देना, किसमें चाबी घुमाना चाहते थे हेमंत विश्व शर्मा जी, या किस गुब्बारे के अंदर ऑलपिन चुबाना चाहते थे? यहाँ पर कोई चाबी घुमाने वाली बात नहीं है, आप शिव पुराण को झुटला दीजिए, कोटि संहिता को झुटला दीजिए, और हेमंत विश्व शर्मा तो आज मुख्यमंत्री बने हैं। मैं तो कहूंगी कि प्रवक्ता एनसीपी वो गुवाहाटी आए, दाकिनी पहाड़ पे जाएं और इतिहास पढ़े, वहाँ पे सैकड़ों सालों से वहाँ ज्योतिर्लिंग माना जा रहा है और शिव पुराण में लिखा गया है। हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट, जो यहाँ पे हमें भी यही पता था कि ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग वहीं पर है। यहाँ पर झगड़ा तो आप लोगों ने शुरू किया, अपोजिशन ने शुरू किया है, लेन देन की राजनीति, गंदी राजनीति। आप लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, और कलयुग की पार्टी, अरे भाई कलयुग की पार्टी तो कलयुग तो महान बोलते ना, कर्म वाला युग है कलयुग, जो कर्म करेगा वही कलयुग पे राज करेगा, और सही कर्म वाले के साथ ही कलयुग रहता है। आप लोगों ने क्या कर्म किया कि आपकी ये दुर्दशा हो गई है भाई, कि आप लोग अपना आईना देखने लायक नहीं रहे हैं। भगवान हमारे साथ है, भगवान के ऊपर हम राजनीति नहीं करते हैं। कल को तो आप लोग के सारे अपोजिशन मिलकर श्री प्रभु राम पर आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट के बदौलत आज राम जन्मभूमि पर भगवान का मंदिर बन रहा है। आप लोग तो ऐसे लोग थे कि भगवान श्री राम को आप लोगों ने नहीं छोड़ा। आप कलयुग की पार्टी करें, हम सब आंखों पे लेते हैं, क्योंकि कलयुग कर्म वाला युग है और हम कर्म करके दिखा रहे हैं। ये ज्योतिर्लिंग वाली जो झगड़े वाली बात है, हमारा कोई झगड़ा का मंशा नहीं है, हम द्वेष नहीं चाहते हैं, पूरा भारत एक है, सब भगवान हमारे लिए एक है, हम तो दूसरे के भगवान को भी अपना मानते हैं भाई। हम भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति लेके हम चलते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो गंदे लोग हैं, जो गंदी राजनीति करते हैं, वो लोग समाज को बांटते हैं, और समाज को बांटने के लिए अपनी रोटी सेकना चाहते हैं।